सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम सनी गांधी है और ट्रिकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक नई वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा जहां पे आप अपना गिफ्ट कार्ड खरीद या बेच सकते हैं। जो लोग इस चैनल में नए हैं मैं उनको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने तीन वेबसाइट के बारे में जानकारी दी थी, तीन वेबसाइट को कंपेयर करके बताया था कि गिफ्ट कार्ड कहाँ पर खरीदना या बेचना चाहिए, कौन सी वेबसाइट में आपको फ़ायदा होगा, क्या कमीशन है और पूरी ए टू जेड जानकारी गिफ्ट वाउचर गिफ्ट कार्ड की मैंने उस वीडियो में दी थी। बहुत ही यूजफुल वीडियो थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन में भी दिखाई दे देगी। दोस्तों, उस वीडियो में nafa.in के खिलाफ काफ़ी कंप्लेन आई थी, काफ़ी लोगों को पैसा नहीं मिल रहे थे और काफ़ी को गिफ्ट वाउचर नहीं मिल रहा है, किसी का कस्टमर केयर नंबर नहीं लग रहा है, तो उस रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है और उसकी भी मैं जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आपको आई बटन में दिखाई दे देगी। अगर आप nafa.in से कोई गिफ्ट कार्ड खरीदना या बेचना चाहते हैं तो वो वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अब आज के असली मुद्दे पर। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको एक नई वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहां आप आसानी से गिफ्ट कार्ड खरीद या बेच सकते हैं और बहुत ही आपके लिए फायदेमंद सौदा होगा। दोस्तों, उस वेबसाइट में मैं एक गिफ्ट वाउचर बेच के भी दिखाऊंगा, तो फिर देर किस बात की, चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं एक नई वेबसाइट की आपको जानकारी दूंगा, वो नई वेबसाइट का नाम है crafin.in। यहाँ पे आप बड़ी आसानी से गिफ्ट कार्ड खरीद या यहाँ पे मैं आपको गिफ्ट कार्ड खरीदना बेचना और भी बहुत कुछ जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, यहीं से छोड़ के मत चले जाइएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे अपन को अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जल्दी से मैं बता दूँ कैसे अपन को अकाउंट बनाना है। ये जो तीन लाइन दिख रही है आपको ऊपर में टॉप में, इसको क्लिक करेंगे अपन और यहाँ पे हमको ये रजिस्टर करना पड़ेगा अकाउंट को। देखिए बहुत ईजी है, ये देखिए रजिस्टर आप अपन कर लेते हैं अपन नया अकाउंट अपना। देखिए यहाँ पे बस अपन को अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ये डाल के साइन अप कर देना है, तो उसके बाद हमारा यहाँ अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर दूंगा। ये देखेंगे ऊपर में लॉगिन लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ पे काफ़ी ब्रांड के गिफ्ट कार्ड दिख रहे होंगे, अब मैं आपको बता दूँ यहाँ आप कौन कौन से ब्रांड के गिफ्ट कार्ड पहले खरीद सकते हैं। देखिए यहाँ पे लगभग सारे पॉपुलर ब्रांड के गिफ्ट कार्ड है, अमेजन, बाटा, बिग बाजार, बुक माय शो, गूगल प्ले, फ्लिपकार्ट, मेक माय ट्रिप, इसमें आते हैं जैसे ही गिफ्ट कार्ड और तुरंत सोल्ड आउट हो जाते हैं। ये नई वेबसाइट है लेकिन एकदम जेन्युइन है और पैसा भी जल्दी दे रही है, यहाँ गिफ्ट कार्ड जल्दी बिक भी जा रहे हैं और आप गिफ्ट कार्ड अच्छे दामों में खरीद भी सकते हैं, बस यहाँ पे वाउचर थोड़े कम है इसलिए आते सार ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे जो भी चाहे गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ गिफ्ट कार्ड आपको खरीदने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो भी गिफ्ट कार्ड आपको चाहिए यहाँ पे आप देखेंगे डील पसंद करेंगे और बाय नाउ करके पेमेंट कर देंगे, आपके पास गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको गिफ्ट कार्ड बेचना है तो बाकी गिफ्ट कार्ड आप बड़े आसानी से यहाँ बेच सकते हैं जैसे बाकी वेबसाइट में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अमेजन का जो गिफ्ट वाउचर है वो भी बड़ी आसानी से बेच सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ये इनका व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं 8538850235, ये व्हाट्सअप नंबर में पहले आपको इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाला वाउचर है जितने का भी आपके पास हो अमेजन का, फिर उसके बाद इन लोग बताएंगे कि ये वाउचर अपनी वेबसाइट में ये बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये अमूमन मतलब बड़े वाउचर ही बेच रहे हैं, छोटे वाउचर जो होते ना ये जल्दी अमेजन के ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आपको पहले व्हाट्सअप करके कंफर्म करना पड़ेगा। अगर इनका इनके मूड के ऊपर है, अगर ये छोटा वाउचर भी कभी कभी बेच देते हैं लेकिन ज़्यादातर ये बड़े वाउचर ही बेच रहे हैं, छोटे वाउचर ये जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको अमेजन वाउचर से पहले कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी आपके कोई भी ब्रांड के वाउचर बेचने में आपको तकलीफ नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वही तीन लाइन क्लिक करने के बाद आपको सेल गिफ्ट कार्ड में जाना पड़ेगा। अब सेल गिफ्ट कार्ड में आप जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सेलेक्ट गिफ्ट कार्ड लिखा है, यहाँ पे आपका जो भी ब्रांड का गिफ्ट कार्ड है, जैसे मैं आपको बेच के एक दिखाता हूँ, मुझे अभी बेचना है शॉपर स्टॉप का, यहाँ पे है शॉपर स्टॉप का ऑप्शन, ये रहा। अब यहाँ पे देखेंगे अपन यहाँ पे कोड डाल देंगे जो कोड मिला है, फिर बैलेंस
बैलेंस शॉप मेरे को 500 का गिफ्ट कार्ड बेचना है। अब सेलिंग प्राइस आप कितने में बेचना चाहते हैं? मैं ज़्यादातर अपने गिफ्ट कार्ड में 20% ही डिस्काउंट देता हूँ, तो 20% होता है 400 रुपया, और मैं 1 रुपया और कम कर देता हूँ ताकि वो फिगर अच्छा दिखता है दिखने में और जल्दी बिक जाता है। 1 रुपये के कारण गिफ्ट कार्ड जल्दी बिक जाता है। ये एक ट्रिक है, अगर आप अपना गिफ्ट वाउचर जल्दी बेचना चाहते हैं तो 1 रुपया कम किया करें, दाम जल्दी बिकता है इससे माल। और एक्सपायरी डेट आप डाल देंगे आपके गिफ्ट कार्ड की, जैसे मैं डाल देता हूँ 4 अप्रैल 2020 है मेरा। ये 4 अप्रैल 2020 मेरे गिफ्ट वाउचर की। और यहाँ पे मुझे अपना जो कोड डाल के सबमिट कर देना है, तो मैं ये कोड डाल के सबमिट करके स्किप करता हूँ वीडियो, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपना गिफ्ट कार्ड सेल करने के लिए सबमिट कर दिया। अब मेरे को कंफर्मेशन ईमेल भी आ गया, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए क्रैफन का, योर गिफ्ट कार्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है, नाउ वी विल वेरीफाई द गिफ्ट कार्ड विद इन 24 आवर, इन सम केसेस इट मे टेक अप टू 72 आवर। ये 24 घंटे से लेके 72 घंटे यानी 3 दिन के अंदर आपका ये गिफ्ट कार्ड वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ये अपनी वेबसाइट में डाल देंगे, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आएगा। दोस्तों मैं इसका पेमेंट का प्रोसेस बता देता हूँ। आपको 5% प्रोसेस फ़ी लगेगी। जैसे मैंने 400 का गिफ्ट कार्ड बेचा है तो मेरे को 20 रुपये के आसपास ये प्रोसेस फ़ी लगेगी, मात्र एकदम नॉमिनल फ़ी है, यानी कोई ज़्यादा फीस नहीं, सिर्फ 5% कंपनी ये ले रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो 1% भी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।